दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं हरिद्वार से। दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं भारत माता मंदिर, आइए मिलकर चलते हैं भारत माता मंदिर। हम यदि ई रिक्शा से जाते हैं पिंगोड़ा से भारत माता मंदिर तक, तो सवारी के हिसाब से 40 रुपये सवारी में हम जा सकते हैं, और यदि हम ऑटो करते हैं तो 200 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अब आप 5 लोग बैठ जाएं, 6 लोग बैठ जाएं, वो निर्भर करता है कितने लोग बैठ पा रहे हैं ई ऑटो में। हरकी पौड़ी से आपको 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी भारत माता मंदिर तक पहुंचने के लिए। भारत माता मंदिर का निर्माण 1990 के दशक में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। हम पहुंच चुके हैं भारत माता मंदिर, ये देख रहे हैं आप 7 मंजिला भारत माता मंदिर। इसे हम चलकर 7 तल पर कौन कौन सी प्रतिमाएं, किन किन महापुरुषों की, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वो सब हम चलकर देखेंगे 7 तल पर। भारत माता मंदिर में 7वें तल तक पहुंचने के लिए आप लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं, और वहां से नीचे आते हुए हर तल पर देखते हुए मंदिर की खूबसूरती आप वापस ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। भारत माता मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर ही भारत माता की बहुत खूबसूरत प्रतिमा है, और ऊपर जाने के लिए एक तरफ लिफ्ट लगी हुई है, और सीढ़ियों का उपयोग करके भी आप ऊपर जाकर वापस आ सकते हैं। लिफ्ट से ऊपर जाने वाले लोगों की ये लाइन है जो 7वें तल तक लिफ्ट से पहुंचेंगे, और वहां से हर तल पर घूमते हुए वापस आएंगे। 7 मंजिला भारत माता मंदिर, जिसमें लिफ्ट से जाने की सुविधा है, आप ऊपर तक लिफ्ट से जाएं, और वहां से लौट के आने के लिए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 रुपये प्रति व्यक्ति आपको देना है लिफ्ट के लिए। हम लोग सीढ़ियों से आ गए हैं प्रथम तल पर। ये सूर्य मंदिर है, खंड 1 सूर्य मंदिर। यहाँ हमारे क्रांतिकारियों को, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, ऐसे लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस दिखाई दे रहे हैं, महात्मा गांधी हैं, हेड गेवार हैं, महाराणा प्रताप, महाराजा अग्रसेन जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, आजाद जी, चंद्रशेखर जी, हेमू कालानी,
अशफाकुल्लाह खान। ये है प्रथम तल। अब प्रथम खंड के बाद द्वितीय खंड की ओर हम चल रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर की ओर। सात खंडों में बना हुआ मंदिर, यह है दूसरा खंड द्वितीय तल पर। इसमें भी अलग अलग महापुरुष, सती देवी, जय देवी चमक चमखर, कवित्री अंडाल, सती मैत्रेयी, अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने कई मंदिर और कई घाटों का निर्माण कराया, मीराबाई, सती सावित्री, ब्रह्मवादिनी गार्गी, सती उर्मिला, दमयंती जी, सती दमयंती, सती अनुसुईया और सती मदालसा। सती किरण देवी, एनी बिसेंट, भगनी निवेदिता, यह है द्वितीय खंड। अब हम चलते हैं तृतीय खंड की तरफ। खंड तीन में है संत मंदिर। यहाँ संतों की प्रतिमाएं हम देखेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, प्रतिमाओं के। यह है खंड तीन संत मंदिर। बहुत सारे हमारे साधु संत प्रतिमाएं विराजमान हैं। महात्मा बुद्ध से शुरू करते हैं, कीर्तनकर, जगत गुरु शंकराचार्य से जयेंद्र, सरस्वती कांचीकोटि पीठम, नरसिंह मेहता, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, उदासीनाचार्य, श्री चंद्रदेव, संत गुलाब राव जी और ज्ञानेश्वर जी साथ में विराजमान हैं, श्री रंग अवधूत महाराज जी और श्री वासुदेव नंद सरस्वती, गरीबदास जी, दादू दयाल जी, ब्रह्म ऋषि आचार्य श्री दादू दयाल जी और संत शिरोमणि नामदेव जी, निम्बकाचार्य, श्री रामानंदाचार्य जी, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, सदाणी दरबार, संत सदाराम, गोविंद राम साहेब, गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी, महर्षि वाल्मीकि जी के साथ हैं, समर्थ गुरु रामदास जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ विराजमान हैं, श्री विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी के साथ हैं, संत शिरोमणि श्री पिंपाजी महाराज, श्री माँ शारदा मणि और आपके साथ हैं रामकृष्ण जी, रामकृष्ण देव जी, रामकृष्ण परमहंस जी और शारदा देवी, माँ शारदा, महर्षि वेदव्यास, संत कबीर और रविदास जी विराजमान हैं यहाँ, संत कंवर राम साहेब और स्वामी प्राणनाथ जी। ये बड़ा खूबसूरत खंड तीन भारत माता मंदिर का संत मंदिर, और यहाँ साई मंदिर भी है। साई बाबा, रसखान, जलाराम, झूलेलाल जी, बाबा रामदेव,
महर्षि नवल साहब। हम ऊपर जाए। प्रादेशिक चित्रावली है खंड 4। मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गोवा राजस्थान गुजरात पंजाब जम्मू कश्मीर वेद भगवान विराजमान हैं हिमाचल प्रदेश भारत माता मंदिर के स्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद प्रयासों से मंदिर का निर्माण हुआ था लगभग 40 साल पहले असम में। पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड यहाँ हमें बाबा बैजनाथ धाम दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी माँ चंद्रघंटा कुसुमांडा मैया स्कंद माता उमिया माता पाटीदार समाज की कुलदेवी हैं। उमिया माता माँ कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री हर सिद्धि माता विक्रमादित्य जी की राजा विक्रमादित्य की कुल देवी मीनाक्षी देवी यमुना माँ सरस्वती ये था पांचवा खंड और अब हम चल रहे हैं छठवें खंड की तरफ। छठवां खंड भगवान कृष्ण को समर्पित है।
गुरु दत्तात्रेय जी श्रीनाथ जी भगवान रण छोड़ राय श्री सीताराम जी हनुमान जी भी विराजमान जी लक्ष्मी नारायण श्री राधा कृष्ण विश्वकर्मा जी भगवान वेंकटेश श्री स्वामी नारायण जी विठल रुक्मणी भगवान विठल जी और रुक्मणी जी के साथ छठवें खंड की ओर शिव मंदिर ऊपर शिव को समर्पित। हाँ मैं आ रहा हूँ। दोस्तों ये था भारत माता मंदिर हरिद्वार। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भारत माता की। जय हिंद। वंदे मातरम।